अच्छा ये सारे मेरे ड्रेस हैं जो मैंने समर के लिए जो है वो स्टिच करवाए हैं, और एक दो ऐसे हैं जो मैंने रेडी टू वेयर खरीदे हैं, बाकी जो है मैंने सारे स्टिच करवाए हैं। मैं आपके साथ सबकी डिटेल वन बाय वन जो है वो शेयर करती हूँ अभी, चले जाओ। अच्छा ये फर्स्ट ड्रेस जो है ये मैंने टाई एंड डाई का बनवाया है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है टाई एंड डाई का। मैं आपको इसकी डिटेल जो है करीब से दिखाती हूँ। इसका गला देखिए, अब इसमें मैंने कट्स वर्क करवाए हैं, राउंड कट्स हैं, और साइड पे जो है वो लेस लगवाई है। ये आराम से लेस है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने जो है स्लीव्स इसके बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे लेस अटैच करवाई और साथ में जो है ये टिशू लगवाया है, क्योंकि टिशू का बहुत ट्रेंड है। और इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि दुपट्टा जो है वो मैंने इसके साथ जो है मैचिंग की है। ऑनलाइन मैंने दुपट्टा नहीं मंगवाया था, ये मैंने मैचिंग किया इसके साथ, और ये अलबन आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। और इसको मैंने फेसिंग अटैच करवाई है इसके साथ, तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा फैशनेबल ट्रेंड जो है वो आपका बन जाता है, और आसानी से आप जो है घर पे इसको बना सकते। चलिए चलते हैं दूसरी ड्रेस की तरफ। ये सेकंड ड्रेस है, ये मैंने थोड़ा फॉर्मल सा बनवाया है, क्योंकि ये पार्टी वेयर वगैरह में जो है वो इजीली आप पहन सकते हैं इसको। ये बेसिकली मैंने जो है ये मैंने अनस्टिच लिया था सफायर से, और इसको मैंने स्टिच जो है वो खुद करवाया है। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाती हूँ। ये बेसिकली इसकी नेकलाइन है, ये भी मैंने जो है ये मशीन से इसको अटैच करवाया, और फिर बटन जो हैं वो तीन वो मैंने लिए थे बाजार से, मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे रीजनेबल प्राइस में, मैंने वो अटैच करवा लिए। इसके जो बाजू है इस पर भी कटवर्क जो है वो करवाया है, और ये आगे जो है ये मैंने लेस लगवाई है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद थी तो अच्छी भी लगी थी, तो मैंने ये ले ली थी। अब इसका जो बॉर्डर है वो मैंने जो है फ्रंट जो है उसका वो थोड़ा छोटा है, और जो बैक है वो जो है वो थोड़ी लंबी है, और उसको मैंने लेस के साथ अटैच किया है। इसके जो है मैंने दुपट्टा जो है ये मुझे बहुत पसंद था, इसलिए सूट जो मैंने दुपट्टे की वजह से लिया था, क्योंकि मुझे जो है बिल्डिंग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये बिल्डिंग है इसके ऊपर बनी हुई, बहुत आर्किटेक्चर थोड़ा सा है, और इसको मैंने जो है वो लेस के साथ अटैच किया था। इसको आप जो है वो जिगजैग कह लें या फिर पैरामिड लेस कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस जो है ये मैंने लिया था जेलब्रीज से, ये अनस्टिच उनकी कलेक्शन थी, इसको मैंने स्टिच जो है वो खुद करवाया टेलर से। मैं करीब से आपको इसकी डिटेल दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे एम्ब्रॉयडरी और तिल्ला टाइप होता है ना, उस तरह है, थोड़ा फॉर्मल था, तो ये मैंने बनवाया है। इसकी जो स्लीव्स है इसके आगे मैंने जो है ये इसको कहते हैं पैरामिड लेस कह लें या फिर जो है जिगजैग लेस कहते हैं, ये मैंने अटैच करवाई है। अब काम देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर हुआ है। साइड्स पे मैंने जो है ये फेसिंग करवाई थी, और इसका बॉर्डर जो है बॉर्डर पे भी जो है लेस लगी हुई है, खूबसूरत है इसका बॉर्डर भी। इसका थोड़ा इस ड्रेस का थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए मैंने इसके साइड्स पे जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है स्ट्रेट रखवाया है, थोड़ा सा मैंने इसको मॉडर्न लुक दिया था, यानी कि इसके जो चाक हैं वो इस तरह है, इस तरह इसके चाक हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ख़रीद लिया था। और इसके जो है दुपट्टा यही मिला था इसके साथ वाइट कलर का, और इसको जो है ये भी मैंने लेस लगवाई, थोड़ा इसको फॉर्मल करने के लिए मैंने लेस लगवाई थी। तो ये हमारा हो गया थर्ड ड्रेस, ये बहुत ही खूबसूरत वैसे इसका काम है, और ये मैंने जेलबरी से लिया था, अनस्टिच ड्रेस है उनका, मैंने स्टिच इसको खुद करवाया है। चलते इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा ये फोर्थ ड्रेस है, ये मैंने लिया था जे डॉट से, उनका जो है स्टिच मैंने कलेक्शन जो है उसमें से लिया था प्रेगनेंस से, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। बेसिकली ये लॉन है और इसमें जैकॉट का प्रिंट है, और यहाँ पे इन्होंने लेस लगाई हुई है छोटी सी बिल्कुल लेस, और इसके बटन बहुत प्यारे हैं, लाइक उन्होंने तीन तीन जो है बटन कलेक्ट किए हैं। शायद आपको कलर जो है वो इतना अच्छा नज़र नहीं आया, लेकिन रियल में बहुत प्यारा ग्रीन कलर है, और यहाँ पे जो है वो जिगजैग लेस है, और उसके आगे जो है ये इन्होंने राउंड में कट्स लगाए हुए हैं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। और साइड्स पे जो है साइड्स पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वो जिगजैग लेस लगाई हुई है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ। ये थ्री पीस है, और इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल प्लेन है, इसलिए मैंने ये दिखा रही आपको ट्राउज़र। इसका दुपट्टा जो है वो थोड़ा फॉर्मल लुक देता है, ये ब्राइडल और पार्टी वेयर के लिए बड़ा अच्छा है। और ये देखिए नीचे जो है इसके दुपट्टे के नीचे जो है वो लेस लगी हुई है, ये देखिए ये बिल्कुल ही रेडी टू वेयर है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, तो ये मैंने ले लिया। और कलर थोड़ा आपको जो है इसमें अच्छा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन रियल में इसका कलर जो है वो ग्रीन था है। देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। जी तो ये नेक्स्ट ड्रेस जो है मेरे पास ये है पीच कलर में है, और बहुत खूबसूरत पीच कलर है, समर के लिए बहुत अच्छा कलर था, तो ये मैंने ले लिया। और इसके आप देख सकते हैं प्लेन राउंड नेकलाइन है, और सात बटन जो है वो मैंने लगाए हैं थोड़ा फॉर्मल लुक देने के लिए। इसको स्लीव्स के ऊपर जो है ये मैंने लेस लगवाई, बिल्कुल ही बारीक बारीक लेस लगवाई, क्योंकि समर है तो मुझे इतना हैवी हैवी पसंद नहीं आता, डेली टू वेयर के लिए आपने पहना होता है और डेली आपने पहन के जाना होता है, तो इसलिए। और यहाँ पे भी मैंने लेस लगवाई है इसके फ्रंट पे, और इसके बैक पे जो है वो लेस है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैंने ड्रेस लिया था बीच ट्री से, और ये दुपट्टा है, दुपट्टा बिल्कुल मुझे प्लेन पसंद है, तो ये मैं साथ में फेसिंग लगवा ली थी थोड़ा इसको हैवी करने के लिए, कि चलो सर पे जो है वो टिक जाए दुपट्टा। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ।
अच्छा ये नेक्स्ट ड्रेस है हमारे पास, और ये मैंने लिया था रेडी टू वेयर, ये रेडीमेड मैंने लिया है, और ये मैंने लिया था बीच ट्री से, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था, मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। इस पर जो है राउंड नेकलाइन है, और यहाँ पे जो है स्लिट ओपन है इसके, और यहाँ पे इसके बटन बहुत खूबसूरत हैं। क्लोजअप मैं आपको दिखाती हूँ इसके बटन, लाइक उन्होंने फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और डिटेलिंग बड़ी इनकी प्यारी थी, और ये एम्ब्रॉयडरी था उनका, और साइड पर जो उन्होंने पैनल्स है वो अटैच किए हुए हैं, और ए लाइन है, और यहाँ पर जाके देखिए आप स्लिट्स है, छोटे छोटे से स्लिट्स हैं, और यहाँ पर लेस है, सिर्फ फ्रंट पर लेस है, बैक पर लेस नहीं है। इसके जो स्लीव्स हैं मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ, स्लीव पे डिफरेंट लेस लगी हुई है, और तीन जो है फोर जो है प्लीट्स इसके ऊपर पड़ी डली हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी डिटेलिंग। ड्रेस चलें देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। जी तो ये नेक्स्ट ड्रेस है मेरे पास, और ये मैंने लिया था लाइमलाइट से, उनकी अनस्टिच कलेक्शन में से ये मैंने ड्रेस लिया था, और मैंने स्टिच जो है इसको खुद करवाया है, ये मुझे पसंद आया था क्योंकि लाइट्स कलर थोड़े अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने रखवा लिया था। इसका वी जो है वो नेकलाइन है इसकी, और साइड्स पर मैंने लेस लगवाई हैं, और जो इसके साथ जो है ये इसको सीडी पाइपिंग कहते हैं, ये मैंने अटैच करवाए हैं एज अ पैनल्स की, ये दो पैनल नज़र आए, और ये बेसिकली है चुनरी का काम, मतलब चुनरी का प्रिंट है, और इसके जो बाजू हैं इसके ऊपर मैंने डिफरेंट थोड़ी लेस लगवाई है थोड़ी बड़े साइज़ की, ठीक है, और सिंपल से इसकी साइड्स पे स्लिट्स पे सिर्फ फेसिंग करवाई है, ताकि ये कपड़ा जो है वो खड़ा रहे, क्योंकि फेसिंग के साथ जो है ड्रेस जो है वो खड़ा रहता है, और दुपट्टा देख सकते हैं आप चुनरी के, और शिफॉन का दुपट्टा है, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, और चुनरी जो है वो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो चल रही है, ट्रेंड में है, तो ये मुझे पसंद आया था और मैंने ले लिया, इसको स्टिच मैंने खुद करवाया। चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। अच्छा ये नेक्स्ट मेरे पास ड्रेस है, ये बेसिकली मैंने जो है वो लॉन्ग, इसका लेंथ है इसकी काफ़ी लॉन्ग है, और ये लाइक ये आप जो है बहुत ट्रेंडी लगता है ये ड्रेस ना, मैंने आपको करीब से दिखाती हूँ, ये मैंने इसकी नेकलाइन जो है बनाई है, कॉलर नेकलाइन है, और साइड्स पे आप देख सकते हैं कि इसके बाजू जो है बिल्कुल प्लेन है, ये एम्ब्रॉयडरी है, ये मैंने वैसे ही ये लिया था, मेरी मदर को बेसिकली पसंद आया तो उन्होंने ये लिया था ड्रेस मेरे लिए। साइड्स आप देख सकते हैं, साइड पे प्लेन है स्लिट्स, और थोड़ा लंबा साइज़ है, दरमियान में ओपन जो है ये मैंने स्लिट रखवाई है, क्योंकि साथ में जीन्स वगैरह पहनी होती ब्लैक कलर में तो ये अच्छी लगेगी, और ये बिल्कुल प्लेन ड्रेस है, एज अ अबाया भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहे तो इस स्टाइल को, क्योंकि अगर आप इसको पहन लो और ऊपर दुपट्टा ले लो तो ये अबाया ही बन जाता है तकरीबन एक तरह का, ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैंने अनस्टिच किया था और मैंने स्टिच खुद करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। अच्छा नेक्स्ट ड्रेस जो हमारे पास है, ये मैंने बेसिकली गुलामर से जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने किया था येलो कलर का, लेकिन मुझे आ गया था ये ग्रीन कलर का, ये आपको शायद इस वीडियो में आपको येलो कलर नजर आता है, लेकिन बेसिकली ये ग्रीन है, ये लाइम ग्रीन है, मैं आपको जो है इसका थोड़ा ऑफ करके दिखाती हूँ, ये कलर है, ठीक है, तो ये अगर आप लाइट ऑन करें तो फिर आपको नजर आएगा येलो, अदरवाइज ये ग्रीन ही है, ये मैंने मंगवाया था, और मंगवाया कुछ और था उन्होंने बेच के छोड़ दिया, लेकिन मुझे पसंद आ गया, मैं सेटिस्फाई होगी, तो मैंने कहा वापस क्या करवाना है, तो मैंने इसी को स्टिच करवा लिया। ये प्लेन आपको कॉलर नजर आया इसका, साइड पर इसमें पाइपिंग की हुई है, और बाजू पे भी पाइपिंग है, और इसकी स्लिट्स पे भी पाइपिंग हुई हुई है, ये प्लेन मैंने ड्रेस रखवाया था, और ये बहुत ही मुझे प्यारा प्रिंट लगा था तो मैंने ये खरीदा, इसका बेसिकली मैंने दुपट्टे की वजह से खरीदा था, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, लाइक आप देख सकते हैं इसके दुपट्टे पे ना इस तरह ब्लॉक से बने हुए हैं, और इसके अंदर जो है वो फ्लावर्स हैं, तो मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने दुपट्टे की वजह से सूट ले लिया। कलर आपको येलो नज़र आया, लेकिन बेसिक इसका कलर जो है वो ग्रीन है, लाइट लाइम ग्रीन होता है ना वो कलर है। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट ड्रेस है हमारे पास, ये मैंने लिया था लाइम लाइट से, उसकी अनस्टिच मेरे कलेक्शन में से मैंने लिया था, क्योंकि मुझे ये कलर पसंद आ गया, थोड़ा पिंकिश सा कलर है, लेकिन यहाँ पे आपको शायद जो है वो रेड कलर नज़र आ रहे हैं पिंक। ये इसकी नेकलाइन जो है ये मैंने मंगवाई थी वी नेकलाइन, और इसके ऊपर जो है ये मैंने लेस लगवाई है, थोड़ी चौड़ी लेस लगवाई है, ताकि राउंड राउंड कट्स वाली जो है ना वो लुक दे, क्योंकि कट्स जो है वो टेलर भैया कहते हैं कट्स बड़े डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं ये इसके प्रिंट है ड्रेस का, और उसके आगे मैंने लेस लगवाई है ब्लैक कलर की। प्लेन जो है इसकी स्लिट्स है, और उसके ऊपर जो है पाइप फेसिंग करवाई हुई है, दुपट्टा जो है वो बिल्कुल ही प्लेन है, और मैंने इसको सिर्फ साइड्स पे जो है ये यहाँ से पिको करवा ली थी, तो ये मैंने कपड़े सिलवाए हैं जो समर के लिए, और मैंने आपको इसके साथ आपके साथ शेयर किए हैं सारे। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आया हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, और अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।